तो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे वीडियो लाए हैं जिसे देखकर आपके दिल से एक ही आवाज आएगा। क्या बात है। जी हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सिविल वर्कर को जिनका मेहनत कभी मेहनत लग सकती है तो कभी स्मार्ट वर्क तो कभी बेवकूफी। अब डिसाइड आपको करना है कि इसमें से क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं किस्मत खराब लोगों से। अब क्या कहें यार, ऐसे खंभों से उम्मीद रहती है कि कम से कम एक पुस्तों तक तो चले, लेकिन यहाँ पे तो अभी ही लुढ़क गया। खैर चचा, अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपोजिट साइड लुटका है, आपके साइड नहीं लुटका है। अगर गलती से आपके साइड लुढ़कता तो क्या होता, चलिए देख ही लेते। ओ भाई, किस्मत अच्छी थी, चच्चा अलग और खंभा अलग, वरना ये खंभा चच्चा को लंबा कर देता। लेकिन भाई, इस तरह की चीजें ईंट के खंभे तक सीमित नहीं है, इफेक्ट दीवार तक भी पहुंच रहा है। ओ भाई, ये क्या था। लेकिन एक सेकेंड, वो जो ऊपर से कूदा है उसी ने तो ऐसे लात मार के तो नहीं कूद गया है। मतलब सोचने वाली बात है, बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये ऊपर से कूद गया सीधे डंडा लेके। खैर ऐसी कांड दीवार जोड़ते समय ही नहीं, प्लास्टर के वक्त भी हो सकता है। भाई ये क्या हो गया। मिस्त्री ने बोला था कि एक बूंद भी पानी नहीं चुएगा इस प्लास्टर के बाद, पूरा प्लास्टर ही चू गया। नहीं भाई, लगातार ऐसा कांड हो रहा है, फिर भी मिस्त्री लोग का हरकत कुछ ऐसा है। भाई इनको देख के लग रहा है अगर बगल से बारात वाला डीजे निकल जाए तो ये दीवार उठा के नाचने लगे जो जोर के रखे ऑलरेडी। वाओ, चलिए आपके लिए तालियां हैं, लेकिन लेकिन अब इसे क्या नाम दे, इसे क्या समझे। हैं, एक सेकेंड, ये हरकत कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहां देखा था मैंने। ये इंस्पिरेशन यहां से आ रहा है। खैर कुछ लोग इतने कुशल कारीगर होते हैं कि अपना काम, मतलब आत्मनिर्भर कुशल कारीगर, अपना काम वो खुद ही करने में सक्षम होते हैं, और ऐसे में वो ऐसा ऐसा बुद्धि लगाते हैं कि आपका देख के सिर चकरा जाएगा। देखिए जरा। वाह, मतलब बहुत खूब यार, क्या मतलब
ये वीडियो लीक होके बाहर नहीं जाना, मतलब इस टैलेंट को तो पेटेंट करा लेना चाहिए। अगर इसे देखकर अगर आपके दिमाग में आइडिया आ गया और इसका अपने साइट पे अपने कामों में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मेरे तरफ से एक वार्निंग है, अपना होने के नाते बता रहा हूँ, अगर पेट में गैस बना हो तो ऐसा ऐसे मत। समझ रहे हैं ना, अगर बेवक्त रॉकेट लॉन्च हो गया तो आपके हेल्पर। खैर भाई, इनका तरीका बहुत काम का लगा, लेकिन ये आजमाने से अच्छा है कि आप एक पॉकेट वाला पैंट पहन के काम कर सकते हैं। बाकी सब तो ठीक है, बट आगे देखिए और बताइए कि क्या स्मार्ट वर्क कहें या बेवकूफ़ी कहें, ये आप पे छोड़ते, पहले वीडियो छोड़ते स्क्रीन पे। नहीं भैया, एकदम परफेक्ट स्मार्ट वर्क, वहाँ पे खिड़की का मस्त फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि भाई बाल्टी डायरेक्ट खींचने में रस्सी से वो दीवार से रगड़ते हुए जाता है, लेकिन मस्त आइडिया। अब आगे वाला देखिए और बताइए कि ये आइडिया बेवकूफ़ी है या मस्त आइडिया। ओ भाई, ये भी कमाल का लग रहा है, आगे वाला देखते हैं। अगर गलती से पैंट फट गया तो गलत जगह कंक्रीट से जाम हो जाएगा और इस बवासीर को कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, राजमिस्त्री ही करेगा फिर। तो एक्सपर्ट लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे, और हमें तो भैया नौटंकी लग रहा है, क्योंकि यहाँ तीन चार लोग पैर पकड़ के खींच रहे हैं, एक आदमी बैठ के निपटा सकता है। पर अपने फन टाइम मजेदार टाइम आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, हम इस पर एक ही चीज कहना चाहेंगे, सच पूछन भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। जी हाँ, इससे तो मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ेगा, ना कि आसान होगा। कर इन सब चीज़ों में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, और इसलिए राजमिस्त्री और सिविल इंजीनियर जैसे दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले ये देखिए, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। तो भाई, इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे जब सीढ़ी बन गया होगा, उसके बाद प्लान बना होगा कि पूरा कवर कर देना है। तो चलिए, हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं और आप लोगों को दो लाइन सुनाएंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन सा वीडियो इसमें से सबसे अच्छा लगा आपको। कि कुछ ऐसा करो कि देखने के लिए रोड जाम हो जाए, दुनिया में नाम हो जाए, और काम ऐसा ना करो कि काम तमाम हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय।